इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी में कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी का दीपक नहीं जल पाया, जिसके चलते अब दीपक को यह लग रहा है कि भाजपा में उनका दीपक बुझने वाला है, तो उन्होंने कांग्रेस में दीपक जलाने की कोशिश कर ली है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह खबर लगी कि भाजपा का दीपक अब कांग्रेस में जलने वाला है, तो भाजपा में खलबली मच गई। हालांकि अभी स्पष्ट और आधिकारिक रूप से दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां देखने और सुनने में आ रही हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जल्द ही भाजपा का दीपक कांग्रेस में जलने लगेगा। जैसी कि चर्चा है कि दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। यदि वाकई में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक मनोवैज्ञानिक हार का संदेश देने वाली घटना होगी। मनोवैज्ञानिक हार इसलिए भी हम कह रहे हैं कि जिस दीपक जोशी के पिता कैलाश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए अपना तन मन समर्पित कर दिया था, उस भारतीय जनता पार्टी में कैलाश जोशी की बेटे के लिए राजनैतिक व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं हुई। माना कि 2018 का चुनाव दीपक जोशी मनोज चौधरी से हार गए थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए तो मनोज चौधरी भी भाजपा में आ गए। इस लिहाज से मनोज चौधरी को दोबारा चुनाव लड़ाना पड़ा और 2020 में जब उपचुनाव हुए तो भाजपा की यह राजनीतिक मजबूरी थी कि मनोज चौधरी को ही टिकट दे। भाजपा ने ऐसा ही किया और मनोज चौधरी चुनाव जीते भी। इसके बाद से कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी के राजनैतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। निश्चित तौर पर दीपक जोशी ने अपने राजनैतिक व्यवस्थापन की मांग पार्टी हाई कमान के सामने रखी होगी, लेकिन पुरानी भाजपा और वर्तमान की भाजपा में यही अंतर है कि पुरानी भाजपा अपने पुराने राजनैतिक कार्यकर्ताओं की कद्र करते थे, उनको मान सम्मान देते थे और उन्हें अपने से जोड़कर रखते थे, लेकिन नई भाजपा सिर्फ जीतने वाले व्यक्ति को ही महत्व देती है। जो चुनाव जीत सकता है उसका पार्टी में स्वागत है, चाहे वह लुच्चा हो, चाहे वह लफंगा हो, चाहे वह डकैत ही क्यों न हो, लेकिन चुनाव जीतने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे तमाम विधायक हैं जिनके सीने में भारतीय दंड संहिता की तमाम धाराएं चिपकी हुई हैं या यूं कहें कि अंकित हैं, लेकिन चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब जो नया मुखौटा ओढ़ा है उसके तहत सिर्फ जीतने वाले कार्यकर्ताओं का ही सम्मान है। दीपक जोशी के भाजपा छोड़ने से पुराने कार्यकर्ताओं के पास एक बहुत स्पष्ट संदेश जाएगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर किसी जमाने में सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और कुशाभाऊ ठाकरे ने स्थापित किया था, उस भारतीय जनता पार्टी में अब न तो सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा की कोई इज्जत बची है और न ही कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी की कोई इज्जत। इसलिए दीपक जोशी हताश और निराश होकर अपने राजनैतिक भविष्य की चिंता करते हुए कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं। दीपक जोशी ने सिर्फ कांग्रेस में जाने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि राजनैतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि दीपक जोशी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। जैसे ही इस बात की चर्चा तेज हुई, वैसे ही दीपक जोशी को मनाने वालों की संख्या भी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब दीपक जोशी को मनाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि दीपक जोशी अपने वरिष्ठों की बात मानते हैं या अपने उपहास का बदला चुकाने के लिए कांग्रेस ज्वाइन करके शिवराज सिंह को चुनौती देते हैं। जो व्यक्ति राजनीति के बिछौने में पैदा हुआ हो, निश्चित तौर पर वह अंतिम सांस तक राजनीति ही करना चाहेगा, लेकिन उसे राजनीति करने का मौका न मिले तो ये उसके लिए आत्मग्लानि का विषय हो जाता है। 2020 से जिस राजनीतिक उपहास और उपेक्षा के दौर से दीपक जोशी गुजर रहे थे, शायद उसके बदला लेने का सबसे सुनहरा मौका यही है। यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दीपक जोशी के राजनीतिक पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था नहीं की तो अब दीपक जोशी शायद ही भाजपा में रुकें। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन भाजपाई कांग्रेसी हो जाए और कब कौन कांग्रेसी भाजपाई हो जाए, अब इस तरीके के खेल सामान्य हो चुके हैं। पहले नेताओं के पास जमीर होता था, सिद्धांत होते थे, जिसके चलते इस तरीके की खबरें अप्रत्याशित लगा करती थी, लेकिन अब इस तरीके की खबरें किसी को चौंकाती नहीं। अब इस तरीके की खबरें लोगों को सामान्य लगा करती हैं। यदि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता आज के दौर के होते तो निश्चित तौर पर वह भी किसी दूसरे दल के साथ
राजनीति कर रहे होते, लेकिन उनकी राजनीति में आदर्श था, सिद्धांत था, जिसके चलते इन नेताओं ने मौन व्रत धारण कर लिया। लेकिन आज के नेताओं से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरीके की राजनीतिक उठापटक प्रदेश के अंदर चल रही है, उसे देखते हुए निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव बहुत ही चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो 60 वर्ष के हो चुके हैं। 2023 को वह अपना अंतिम चुनाव ही मानकर चल रहे हैं। उन्हें पार्टी ने टिकट दिया तब तो ठीक है, यदि नहीं दिया तो वो किसी दूसरे दल की टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, या निर्दलीय भी मैदान में उतरकर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने की क्षमता तो जरूर रखते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।